मुबारकपुर नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर सभासद पुत्र के बैठने पर एफआईआर के विरोध में कई सभासदों ने कुर्सी पर बैठकर दी ईओ को चुनौती। आजमगढ़ के नगर पालिका मुबारकपुर के सभासद के पुत्र के खिलाफ थाना में मुकदमा दर्ज होने पर विरोध में दर्जन भर सभासदों ने शुक्रवार को नगर पालिका ईओ अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुबारकपुर नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर सभासद के पुत्र के बैठने का वीडियो वायरल होने के आधार पर अधिशासी अधिकारी ने मुबारकपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके विरोध में शुक्रवार दोपहर 2 बजे जुमे की नमाज के बाद पूर्व चेयरमैन डॉक्टर शमीम अहमद नगर पालिका में पहुंचे तो दर्जन भर सभासदों ने नगर पालिका में पहुंचकर ईओ के खिलाफ एक स्वर में विरोध किया और बारी बारी से अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर अपना विरोध जताते हुए कहा कि सभासदों के ऊपर भी अधिशासी अधिकारी अब मुकदमा दर्ज कराएं, जबकि उस समय अधिशासी अधिकारी नगर पालिका में मौजूद नहीं थी। पूर्व चेयरमैन डॉक्टर शमीम ने भी सभासद के पुत्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा मुकदमा दर्ज कराए जाने की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक आम आदमी और भारत का नागरिक होने के नाते सभी लोगों का अधिकार है नगर पालिका में आ जा सकते हैं। वहीं सभासद के पुत्र मासूम ने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि यह कुर्सी चेयरमैन की, सभी लोगों को बैठा देख मैं भी खाली कुर्सी सामने देख बैठ गया, कुर्सी खाली थी, मुझे नहीं पता था कि यह चेयरमैन की कुर्सी है। वहीं सभासदों ने कहा कि अधिशासी अधिकारी को मुकदमा वापस लेना चाहिए, नहीं तो सभी सभासद शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। हमारी लड़ाई सही कार्यों के लिए अधिशासी अधिकारी से जारी है, जिसका परिणाम यह रहा कि सभासद के पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सुनते हैं मामले में डॉक्टर शमीम ने क्या कहा और अब मासूम ने क्या कहा। अलग मैटर हो गया ना, अब जो बात कर रहे हो तो अलग मैटर हो गया। कोई भी नगर पालिका में पत्नी पति एक्स वाई जेड, आप कभी आए नगर पालिका में तो आप क्या हैं, आप पति हैं किसी के, तो आपको काम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ तो हर कोई आ सकता है, मीटिंग तक है कि मीटिंगों में जो है वो लेडीज़ आके बैठें, बाकी तो काम के लिए हर कोई, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र में हर आदमी नगर पालिका की हर चीज़ को, कोई राज की चीज़ नहीं होती यहाँ पर, हर चीज़ सबके सामने रहनी चाहिए। जितनी फाइलें जब आप लोग हुकुम दीजिए मैं जितनी फाइलें सब निकलवा के आपके सामने रखूंगा। ये का कहना है अक्षर कि वो सभासद नहीं है। आप क्या हैं, आप क्यों आए इसमें, आप आम आदमी हैं, आ सकते हैं, ये सब इतने खड़े सब आम आदमी हैं, आप क्यों आए, उनको बताइए यो साहब को ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था जी रही है, उनके घर की नगर पालिका या किसी के घर की नहीं है। वो यहाँ पर जो भी कर्मचारी है, हमसे बड़ा कर्मचारी अधिकारी वो है, वो सेवक है, अब उनको समझाएं सबको, ये प्रजातंत्र है और इसकी एकदम गलत काम किया है ये। क्या एक्शन होगा सभासद और चेयरमैन के द्वारा? एकदम, मैं चेयरमैन और सभासद हूँ, जिनके खिलाफ वो सभासद एक ग्रुप है वो अपना अच्छा बुरा समझते हैं, मैं तो यहाँ जैसे आप आते हैं वैसे आ जाता हूँ। मैं मासूम आजमी शायरा बानो के लड़के हूँ, जिन पे अनावश्यक FIR हुआ है और ये घोर निंदा हम इसकी करते हैं जो FIR हम पर हुआ है। आप एक और आरोप है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने का, किस तरह का वादा है आप? ये प्रजातंत्र है, यहाँ पे हर एक आदमी को अख्तियार है कि अगर गलत काम हो रहा है तो नियम के विरुद्ध हो रहा है तो उसे आप किचन करके रोका जा सकता है। चेयरमैन की कुर्सी पर दर्शाया गया, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, ऐसा होना चाहिए। ना ही मीटिंग थी, ना ही एजेंडा था, सारे लोग थे, सभासद थे, आम आदमी थे, वहाँ कुर्सी खाली थी, बहुत सारे सभासद खड़े थे, वहाँ कुर्सी थी तो वो कोई उस पर लिखा तो था नहीं कि ये अध्यक्ष की कुर्सी है, यानी नाजकारी में बैठे हैं आप, चेयरमैन की कुर्सी बिल्कुल। और अगर बोर्ड की बैठक होती और उस पर हम अगर बैठते तो आप समझ में आ रहा है कि FIR करिए। यहाँ यो मैडम आप देख लीजिए, चलिए उस जिस पाइप लाइन को रुकवाने की बात कर रही है, चलिए उसकी हम जाँच करवाते हैं, आइए चलिए, उसकी टीम भी गठित हुई है, अध्यक्ष महोदया के आदेश पर टीम गठित हुई है। आपके जेई महावीर भारती हैं नगर पालिका के, मौके पे गए थे, रिपोर्ट लगाए हैं, गलत है वो, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए आप, एक आम आदमी को आप क्या समझ रही हैं यो साहब? क्या कोर्ट आप पंडम में जाएंगे? हम तो हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में केशव मौर्य ने अधिकारियों संग बैठक कर की जिले की योजनाओं की समीक्षा, बीजेपी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने का दिया निर्देश। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में डिप्टी सीएम
केशव मौर्य ने जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास व लाभार्थियों की योजनाओं के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में मिले कई समस्याओं के इनपुट पर चर्चा की। वहीं अधिकारियों को कई मामलों में सख्त निर्देश दिया गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों को बता दिया गया है कि बीजेपी के बूथ से लेकर जिला अध्यक्ष तक या कार्यकर्ता अगर कोई समस्या लेकर आता है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनकर नियमित रूप से उस पर कार्रवाई करें। वहीं उन्होंने बिजली नहर में पानी को लेकर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश देने की बात कही। कहा कि जनपद में सूखे जैसे हालात हैं, इसकी समीक्षा हो रही है। वहीं यह भी कहा कि किसानों को ऐसे बीज मुहैया कराए जा रहे हैं जो कम वर्षा में भी फसल पैदा कर सकें। केशव मौर्य ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए समूह की दीदियों से सिलाई कराने के लिए भी कहा गया है। हर घर नल योजना में पाइपलाइन बिछाने की गाइडलाइन के पालन का निर्देश दिया गया है। सुनते हैं डिप्टी सीएम ने क्या कहा। इस बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो या अन्य कोई पदाधिकारी हो, जनता से जुड़ी हुई कोई समस्या किसी अधिकारी कर्मचारी के पास लेकर के जाएंगे तो उसको वो नियमित रूप से सुनेंगे, उसका समाधान जो करने लायक है समाधान करेंगे। और मुझे भी यह कहते हुए गर्व है कि मैं भी उपमुख्यमंत्री तो हूँ, लेकिन उपमुख्यमंत्री से पहले मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर हम सारी लड़ाई लड़ते हैं। एक तो यह निर्देश दिया गया है, यहाँ एक सलोना पंप कैनाल है और एक उबाल लखीमपुर में 97 एकड़ का एक बड़ा सरोवर है, उसके भी जीर्णोद्धार, जहां खुदाई की जरूरत है उसकी खुदाई करवा करके कैनाल को चलाने की दृष्टि से निर्देश दिए गए हैं। बिजली की समस्या, रोस्टर की समस्या, बिजली की कमी जो थी उसके लिए भी बहुत कड़ाई से पूछताछ की गई है। कोई वर बिलिंग की शिकायत या कोई जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने में देरी आदि को लेकर के कोई अगर शिकायत आएगी तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन जनता की सेवा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस बात को ध्यान में रख करके जनपद के जितने भी चक मार्ग हैं और उस पर अभी भी कब्जा कोई किया हुआ है, कोई तालाबी नंबर है उस पर अगर कोई कब्जा किया हुआ है, कोई चारागाह की जमीन अगर उस पर कोई कब्जा किया हुआ है तो उसको जाँच करके नाप करके खाली कराएंगे। कोई माफिया कब्जा किया है तो जरूरत पड़े तो बलपूर्वक खाली कराएंगे। कोई गरीब का कब्जा है तो उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे करके उसके बाद खाली कराएंगे। यहाँ नहरों में टेल तक पानी की जो समस्या है पहुँचाने की, उसको लेकर के भी बात हुई है। हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी, चूँकि इस बार आजमगढ़ में वर्षा कम हुई है, सूखे जैसे हालात हैं और उसकी समीक्षा की जा रही है, और सूखे के हालात अगर बनेंगे तो सरकार सूखे की दृष्टि से भी जनपद में किसानों को लेकर के जो भी आवश्यक कदम है वह उठाने का काम करेगी। और जो हमारे किसान हैं उनको ऐसे बीज उपलब्ध कराने का काम भी किया जाएगा जिन बीजों के आधार पर अगर कम वर्षा है तब भी किसानों की आमदनी न घटने पावे, इस विषय को भी निर्देशित किया गया है। हर घर नल से जल योजना में जो पाइपलाइन पड़ रही है वो मिनिमम जमीन से 1 मीटर नीचे पड़नी चाहिए, और जहाँ पर पाइपलाइन डाल रहे हैं अगर वहाँ मिट्टी निकाल करके तब पाइप डालते हैं तो उसे ऐसी अवस्था में ना छोड़ें कि कोई घटना दुर्घटना हो। तो पाइपलाइन डालने के बाद आवागमन के योग बनाना और पानी की टंकी बनने के बाद उसको टेस्टिंग करने के बाद जैसी सड़क पहले बनी थी वैसी ही बनाना, इसमें बजटीय प्रावधान भी है, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में सुविधाओं की कुछ कमी बताई गई है, पीजीआई की दृष्टि से भी कुछ शिकायतें आई हैं, उनको निवारण करने और आज यहाँ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उसको यहाँ से एक पत्र बना करके अलग से भेजेंगे जिससे चिकित्सा सुविधा, दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपलब्धता, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की उपलब्धता, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ सहित कोई ऐसी समस्या ना आवे। आज क्या कार्यकर्ताओं के लिए 2024 में आजमगढ़, लालगंज सहित उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए ही ये बैठक है और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने की बैठक है, और भाजपा आत्मविश्वास से भरी हुई पार्टी है। अब तो चच्चा भी हार गए, भतीजा भी हार गए,
आजम खां और आजम खां के भतीजे दोनों लोगों की सीट चली गई, कमल के फूल के खाते में आ गए। शिवपाल जी भी आए थे, कह रहे थे इंडिया जीतेगा, 80-80 एनडीए का सुखड़ा साफ हो जाएगा। देखिए कैथनी और करनी में अंतर है, ठीक है। 2014 से आप देख रहे हैं चाचा और भतीजे दोनों एक साथ ही रहते हैं, लेकिन भाजपा लगातार जीत रही है और आगे भी जीतेगी। जो होंगे जब आएंगे तो बताएंगे, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही। नहीं, बहुत सारी चर्चा चल रही होगी, लेकिन चर्चा आपको बताने लायक होगी तो बताएंगे। धन्यवाद। बीएसपी से कोई समझौता अब समझौता होगा तो वो बहुत हाई लेवल की बात है, यहाँ की बात नहीं है। धन्यवाद।